गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे समास के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम लोग समास क्या है। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो वो समास कहलाता है। और वो मिल करके बने हुए जो शब्द हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं। तो समस्त पद को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं या उसको सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिले, यहाँ दो शब्द से मिले हुए शब्द और इनको मिलाने से एक शब्द बन गया, मिल करके जो शब्द बन गए करुणा पूर्ण, ये समस्त पद हो गया और ये उसका विग्रह हो गया करुणा से पूर्ण, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये कारक चिन्ह है जिसका लोप हो गया है। आइए देखते हैं समास के भेद। समास के छह भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वितीय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है? अव्ययीभाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है और वह पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और समस्त पद जो मिल करके जो बना हुआ शब्द है वो क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त तो होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यथाशक्ति, यथाशक्ति यहाँ पर यथा शब्द जो है वो अव्यय है और इसी की प्रधानता है और इसका विग्रह करने पर आता है क्या होता है? शक्ति के अनुसार। यथा मतलब अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसी तरह से प्रतिदिन, जैसे प्रति, ये प्रति जो है वो अव्यय शब्द है और इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक दिन। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है, पहले पद की नहीं, लेकिन इसमें दूसरे पद या अंतिम पद की प्रधानता होती है और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं दान वीर, दान वीर का जब हम विग्रह करते हैं तो यह हो जाता है दान में वीर। जब हम यहाँ विग्रह कर रहे हैं तो देख रहे हैं में और ये कारक चिन्ह है, इसका लोप हो गया और समस्त पद बन गया मिल करके दान वीर। तत्पुरुष समास के छह भेद, जैसे कारक हम पढ़े हैं, कारक के चिन्ह पढ़े हैं, तो कारक चिन्हों में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, कर्ता कारक को छोड़ देते हैं और लास्ट का संबंध संबोधन कारक को छोड़ देते हैं और कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक के इसमें चिन्ह आते हैं और इन्हीं के अनुसार इनका भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है। इन्हीं कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद हैं। जैसे छह भेद हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए देखेंगे हम लोग इनको अलग अलग तरह से। सबसे पहले देखें कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में आप देखेंगे, जैसे इसका उदाहरण देखें, वन गमन, वन गमन, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। और आप देख रहे हैं वन गमन, वन को गमन, यहाँ पर को का क्या हो गया? लोप हो गया। दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास, इसमें आप देख रहे हैं अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित है और करण से, करण से के द्वारा, यानी कि अकाल के द्वारा पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है, यहाँ पर से का लोप हो गया। उसी तरह से संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें हम देखते हैं गौशाला, जैसे गाय के लिए साला, संप्रदान का चिन्ह क्या है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए, तो यहाँ के लिए का लोप हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष समास, इसमें देखेंगे दयाहीन, इसमें आप देख रहे हैं दया से हीन, यानी रहित का अर्थ में आता है, तो दया से यहाँ पर से का लोप हो गया।
इसी तरह से संबंध तत्पुरुष समास आप इसमें देखेंगे राजपुत्र, राजपुत्र यहाँ पर इसका संबंध का चिन्ह क्या है, का के की। आप देख रहे हैं यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास का क्या हो गया, लोक हो गया, राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में हम देखेंगे आनंद मगन शब्द है, आनंद मगन यहाँ पर अधिकरण का चिन्ह क्या है, अधिकरण कारक का चिन्ह है मे पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मे है और यहाँ पर मे चिन्ह का क्या हो गया है, लोप हो गया। तो हम तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, उसमें कारक चिन्ह होते हैं और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसे हम जान जाएंगे कि यह तत्पुरुष समास का प्रकार है। अगला हम देखेंगे कर्मधारय समास, समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में समस्त पद जो है उसमें विशेषण और विशेष्य यानी कि दोनों शब्दों का मेल होता है। इस समास में एक शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष्य होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल यहाँ पर नील जो है, नीला, नीला है जो कमल, नीला है जो, इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है, नीला है जो कमल। तो नील शब्द जो है, नीला जो है वह क्या है, विशेषण है, और कमल जो है विशेष्य है, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है शब्द नीला। तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया, तो इसमें विशेषण और विशेष्य शब्दों का मेल होता है। चौथा है द्विगु समास, द्विगु समास को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, तीन लोक, तो पहला पद संख्यावाचक और बाकी अगला कोई भी विशेष्य हो सकता है। अगला है पांचवा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई बाहर से आकर अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं लंबोदर, लंबोदर यहाँ पर है, लंबोदर जब इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, लंबा है जो जिसका उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात यहाँ पर ना लंबा प्रधान हुआ ना उदर प्रधान हुआ, लेकिन प्रधान कौन हुआ, बाहर से आया और प्रधान हो गया गणेश, तो हो गया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है, गणेश। ये हो गया बहुव्रीहि समास। उसके बाद अंतिम हम लोग देखेंगे छठा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं माता पिता, अब बीच में आप देख रहे हैं योजक चिन्ह, और माता पिता इन दोनों को जब हम लोग विग्रह करते हैं तो क्या होता है, योजक चिन्ह के पास क्या है होता है, योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता और पिता, क्योंकि ये दोनों प्रधान है माता या और पिता, या हम दिन या रात कह सकते हैं, या शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, दिन रात, दिन या रात, दिन और रात, इस तरह से ये है समास के छह भेद। आज हम लोग समास के भेदों को पढ़े हैं, समास के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे व्याकरण में